गाइस, अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो जब भी चलेगा, अगर आपके पास कोई डिग्री नहीं है तब भी चलेगा, अगर आपके पास कोई नॉलेज भी नहीं है तब भी चलेगा। ये बिज़नेस आप आराम से अपने घर पे ही रह के कर सकते हो, ना कोई शॉप लेने की ज़रूरत है, ना कोई शॉप लेने की बड़ी ज़रूरत है, कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। बस एक टीम की ज़रूरत पड़ती है, वो है कैटरिंग का बिज़नेस। कैटरिंग बिज़नेस इस तरीके से चला सकते हो कि आपको आपको आइडिया भी नहीं होगा, सिर्फ नॉर्मल सा एक वेबसाइट बनाना है, बिल्ड करना है 1000-1200 रुपये में, नॉर्मली बेसिक वेबसाइट बना लेना जिसमें आपका पेज ही अकेला बन जाएगा, बहुत इनफ है। पेज बनाने के बाद थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट आएगा, जैसे आपको मान के चलिए थोड़े बहुत कढ़ाइयाँ वगैरह रहेंगी, आपको उस तरीके का आपको थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट करना है, बस आपको अच्छी तरीके से एक बार पैसा सेटअप करना है। ये देख सकते हो, ये एक्चुअली में कैटरिंग का बिज़नेस के साथ पब्लिक है, आपके सिटी और गांव में कोई भी होगा, आप अच्छे से सेटअप कर सकते हो। जो एक्चुअली में जो उसे बोलते हैं, जो खाना पकाने वाले होते हैं, मजदूर जो होते हैं, आप उनको इकट्ठा कर सकते हैं, बाकी आपको कोई डिग्री नहीं चाहिए, उनको इकट्ठा करना है। आपको ऑर्डर कैसे लाना है वो भी हम इसी वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से अपने ऑर्डर्स लाना है, कहाँ से ऑर्डर लेंगे, कैसे ऑर्डर मिलेंगे, वो भी इसी वीडियो में आपको A to Z डिटेल्स में बताऊंगा। उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ 1000-1200 रुपये का आपको आपको क्या करना पड़ता है। एक छोटी मोटी वेबसाइट बना लेते हो, वेबसाइट बनने के बाद आपको जब आपका वगैरह बनने के बाद आपको देख सकते हो, फिर उसके बाद फूड पे काम करते हो। देखो, अगर आपका फूड बहुत टेस्टी होगा, लोगों को बहुत पसंद आएगा, अगर आपने एक को ऑर्डर दिया तो लॉन्ग टाइम तक आपको ऑर्डर मिलेंगे, उसके रेफरेंस पे बहुत अच्छा चलता है। यहाँ पर शादियों में क्या होता है कि अपना यहाँ पर कैटरिंग का एक बोर्ड लगा सकते हो, जैसे आप कैटरिंग का गए वहाँ पर आपको पार्टी का वो मिला ऑर्डर, तो आप जाके आपने बोर्ड लगा दिया, बोर्ड लगाते ही आपने एक बोर्ड के साथ साथ अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया, और डायरेक्टली बहुत सारे वहाँ पर गेस्ट जो आते हैं, जो डिनर करने आते खाने, उनकी भी शादियाँ होती हैं, उनके भी बर्थडे पार्टी होती हैं, उनकी भी जो भी होता है शांति हवन जैसे भी बहुत सारे होते हैं, जो गोद भराई जो भी जैसा चलता हो उनका काम, वो आपको ऑर्डर करेंगे वहाँ से। तो इस तरीके से आपको रेफरेंस भी ऑर्डर मिलते हैं, रेफरेंस ये बिज़नेस बहुत ही ज़्यादा रेफरेंस चलता है। पर रेफरेंस के अलावा मैं आपको और बता देता हूँ, और सिटी में कैसे बिल्डअप करने के लिए आपको अपनी इंडिया मार्ट पे जाके सर्च करना है, सॉरी उस पे जाके सर्च करना है, गूगल मैप पे देखना है कि आपके नज़दीकी में कितने भी हैं, ये क्या रेट लगाते हैं, प्लेट के हिसाब से क्या चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो भी आप डिस्कस करके लगा सकते हो। ऐसे आपको नॉलेज लेना है, तो ज़रूरी नहीं कि इसके लिए ज़्यादा कोई डिग्री चाहिए, कोई पढ़ाई चाहिए, नहीं मैं नहीं मानता किसी चीज़ का डिग्री विग्री को। हमने ऐसे लोग देखे हैं जो ऑलरेडी ओनली 5th क्लास तक पढ़ा हुआ है, अब बाकी ये बिज़नेस को लाखों रुपए में अर्न कर रहा है, और सारक पे तो ये सोचो 5-10 लाख रुपए यूं ही छाप लेता है, एक ही सारक में पूरे साल भरे में तो पूरा 15-20 लाख रुपए यूं ही छाप लेता है, ऐसा बिज़नेस कॉर्पोरेट कर रहा है। तो मैं ये बता रहा हूँ कि उसी ने बिज़नेस आइडिया के बारे में थोड़ा बताया कि मैं इसीलिए मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ ये पूरा। तो ये वीडियो में ये देखिए कि सबसे पहले वो लोग क्या क्या डिशेज बनाते हैं, आपको एक गूगल बिज़नेस का अपना प्रोफाइल बना देना, प्रोफाइल वो बनाना जहाँ पर आप रहते हो, वहाँ की आप लोकेशन डाल सकते हो, अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हो, कुछ फोटियाँ ऐड कर सकते हो, सारा चीज़ ऐड कर सकते हो, फ्री में बनता, कोई पैसे नहीं लगते, खुद जाके कोई 2-3 वीडियो भी देखोगे ना, एक वीडियो अच्छा से देख लीजिए, आपने जाके रजिस्टर कर लिया, नॉर्मली रजिस्टर हो जाता है। बस आपको खाने में बहुत अच्छे टेस्ट रखना है, बहुत ही अच्छे लोगों के खाने के आपको बनाना नहीं है, आपको सिर्फ वो सर्च करना है, जैसे होते हैं कुक बनाने वाले होते हैं, जैसे हलवाई लोग होते हैं वो बनाते हैं उसको, रसोई वाले होते हैं वो, उनको सर्च करना है, वो आपको कहाँ मिल जाते हैं वो भी आपको मार्केट में इन्हीं से मिल जाते हैं। जैसे आपने जाके गूगल मैप पे जाके सर्च किया, आप उनको भी अपना ऑर्डर दे सकते हो, इन लोगों को अगर ऑर्डर देना है तो इनको भी दे सकते हो, आप ड्रॉप शिपिंग चाहो तो कर सकते हो, इसमें ड्रॉप शिपिंग होता है इस तरीके का, जैसे दूसरे से ऑर्डर लिया इनको ऑर्डर, बीच में अपना कमीशन मार्जिन रख सकते हो। तो इस तरीके से कई लोग कर रहे हैं काम, वो भी लाखों रुपए में छाप रहे हैं अच्छा खासा। मान चलिए कई लोग जो होते हैं प्लेट के हिसाब से उन्होंने बुक किया, 1200 रुपये का प्लेट है एक, या 1000 रुपये की प्लेट के हिसाब से बुक किया है 300 लोगों का खाना, तो उसमें से 1200 रुपये की जगह उन्होंने 800 रुपये का सामने वाले को ऑर्डर दिया, पर प्लेट पर उन्होंने 200 से लेकर 400 रुपये बचा लेते हैं, इस तरीके का उन्होंने बार्गेनिंग कर लिया, 8-10-15-20 हज़ार रुपये का काम हो गया। सोचो इस तरीके से भी पैसे कमाए जाते हैं, लोग कमा रहे हैं पैसे, आप भी कमा सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। लोग कौन है, सिर्फ ओनली 350 रुपये का खर्चा किया और उसमें विजिटिंग कार्ड छपवा लिया, बस विजिटिंग कार्ड में अपने आप को बताते हैं कि मैं कैटरिंग वाला हूँ, मैं कैटरिंग वाला बिज़नेस करता हूँ, मैं ये करता हूँ, पर एक्चुअली में उसको कुछ नहीं आता है, वो एक्चुअली में उसके वर्कर जो हैं होलसेलर हैं, और ये एक्चुअली में ये हलवाई जो लोग हैं वो होते हैं सब।
तो डिपेंड वो कर रहा है कि वो बिज़नेस किस तरीके से कर रहा है, कितना दिमाग लगा रहा है, कितना क्या कर रहा है। मार्केट में सब कुछ हो रहा है, पैसा छाप रहे लोग, अच्छा खासा पैसा छाप रहे हैं, बस आपको भी छापना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, एक इंडिया में वेबसाइट है उस पर जाके अपना रजिस्टर बना दीजिए। तो देखो 1250 रुपये का प्लेट लगा रखा है, कोई 500 रुपये लगा रखा है, कोई ने 350 रुपये लगा रखा है। जैसे ही आप 350 रुपये प्लेट में क्या होगा, चावल होते हैं, राइस होता है और पूड़ी होती है, या रोटी मान लो रोटी होगी तो पूड़ी तो बनवाते हैं लोग, बस और कुछ नहीं होता है, अनलिमिटेड पूड़ी का ऑप्शन दे देते हैं। तो पूड़ी आज की दुनिया में कोई नहीं खाता, और एक स्वीट्स रख देते हैं 350 रुपये प्लेट में, यही होता है, दाल चावल एक सब्जी और पापड़ रख देंगे और आपको पूरी हो जाएंगे, बस हो गई 350 रुपये का प्लेट के हिसाब से आपको बना के दे देंगे। तो सोचो आपको अगर ज़्यादा आइटम रखने हैं, जैसे बहुत सारे उसने बोल दिया 15-20 आइटम रखना है, तो आपको 1250 रुपये देना पड़ेगा। तो 1250 रुपये का आपने ऑर्डर लिया 300 प्लेट का, सोचो 300-500। अब वेडिंग शादी है, किसी की बर्थडे पार्टी है, कुछ का ऐसा तो है नहीं है कि नॉर्मल से 200-300 आदमी आते हैं, आराम से 300-400-500 आदमी आते हैं। वेडिंग में तो आराम से 500-600 आदमी आता है। सोचो ऐसा ऑर्डर अगर मिल जाए तो 500 आदमियों का ऑर्डर, तो आपको कितना प्रॉफिट होगा। समझ सकते हो कि खाने खाने का ऑर्डर आता है 1.5 लाख, 5 लाख, 6 लाख ऐसा आता है। और लागत कितना, लागत सिर्फ लगेगा आपका 1 लाख, 2 लाख, 2.5-3 लाख, एक ही में आपका बस जाता है, पूरी मेहनत का पूरा पैसा वसूल हो जाता है यहीं पर। तो इस तरीके से बिज़नेस होता है ये। अब हम आपको बता देता हूँ कि बिज़नेस कैसे और अच्छी तरीके से किया जाता है, कि आपको अच्छे से एक बार रजिस्टर कर लिया, बस आपने रजिस्टर कर लिया, होने के बाद आपको सिर्फ पैसे गाइस, अगर आपने ये वीडियो देखा हुआ है तो बहुत अच्छा लगा है, तो मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब दोनों करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो आपको बहुत जल्द आपके पास पहुँचे। शायद आपको ये वीडियो आपके काम का ना हो, पर लेकिन जो नेक्स्ट वीडियो मैं आपके लिए डालूँगा, शायद वो आपके लिए बहुत काम का और बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। मैं रिक्वेस्ट रहेगा कि हम आपके होप के लिए मैं आपके बिज़नेस रिकॉर्डिंग वीडियो डालूँ, जिससे आपका बहुत काम आए। थैंक यू।